हेलो गाइस, मैं हूं विश्व और आप देख रहे हैं लर्न बेसिक्स। अगर आप अपना सीडी एंटीवायरस से स्कैन करना चाहते हैं तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए आइए इसका वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं अपनी सीडी को स्कैन करने के लिए। तो उसके लिए पहले अपनी सीडी आप इंसर्ट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो उसके बाद चलते हैं दिस पीसी, मेरे कंप्यूटर में ये दिस पीसी है, आपके कंप्यूटर में ये माई कंप्यूटर के नाम से हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर सारी ड्राइव्स या पार्टीशंस होते हैं। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। यहाँ सारे पार्टीशन आपको दिखा रहा है, रिकवरी ड्राइव डी, वॉल्यूम जी, यू नो सारे पार्टीशन दिखा रहा है। इसमें देखिए ये सीडी का ऑप्शन है, अगर आपने पेन ड्राइव लगाई होगी तो रिमूवेबल डिस्क के नाम से होगा या जो भी आपने पेन ड्राइव का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सीडी लगाई है तो ये वो यहाँ पर शो करेगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करते ही छोटी सी विंडो ओपन होती है और यहाँ पर देखिए ये अवास्ट का साइन दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास अवास्ट का फ्री वर्जन है तो अवास्ट का साइन दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ सेलेक्ट स्कैन सेलेक्टेड आइटम फॉर वायरसेस, यानी कि सेलेक्टेड आइटम को हम वायरस स्कैन कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सीडी को वायरस स्कैन करना है तो उसको ओपन किए बिना ही स्कैनिंग करनी होगी। ठीक है, ये देखिए छोटा सा विंडो यहाँ पे ओपन हो गया राइट हैंड साइड में और ये स्कैनिंग शुरू हो गई है। बस थोड़ी देर में ही ये स्कैनिंग कंप्लीट कर देगा। ये देखिए स्कैन फ्रॉम विंडो एक्सप्लोरर हैज फिनिश्ड, नो इशू फाउंड, यानी कि कोई भी इशू नहीं आया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर रेड सिग्नल दिखाएगा और आपको डिटेल में जा करके ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या उसको रिपेयर कराना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपको एंटीवायरस दे देगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी सीडी ड्राइव को एंटीवायरस स्कैन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं किसी भी हार्मफुल वायरस से।